हेलो दोस्तों, ऑल अबाउट होम साइंस चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी को समर्पित एमसीक्यू सीरीज का यह 15वां भाग है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आज मैं प्रसार शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, एडगर डेल्स द्वारा अनुभव के त्रिकोण का सही क्रम बताइए। और सही क्रम है, पहला है प्रत्यक्ष सोद्देश्य अनुभव, दूसरा है प्रतिकृति अनुभव, तीसरा है नाट्य अनुभव, चौथा है प्रदर्शन, पांचवा है फील्ड ट्रिप्स, छठा है प्रदर्शन एग्जीबिशन, सातवां है गत्यात्मक मोशन पिक्चर, आठवां है रेडियो व रिकॉर्डिंग व और सभी चित्र, नौवां है दृश्यात्मक प्रतीक और दसवां है शाब्दिक प्रतीक आदि। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण का सही क्रम बताइए। और इसका सही क्रम है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया जे पॉल लिगन्स ने दिया था। इसमें इसका सही क्रम है, पहला है स्थिति, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है शैक्षिक योजना, चौथा है मूल्यांकन, पांचवा है पुनर्विचार। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शिक्षण संस्थानों की वजह से होने वाले याददाश्त को घटते हुए क्रम में लिखें। तो इसमें इसका सही क्रम है घटते हुए, पहला है फिल्म देखकर, दूसरा है कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप, तीसरा है परस्पर वार्तालाप, चौथा है देखकर और सुनकर, पांचवा है देखकर, छठा है सुनकर और सातवां है पढ़कर। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, विल्सन और गैलप के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरण का सही क्रम बताइए। और इसका सही क्रम है, पहला है ध्यानाकर्षण, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है विश्वास, पांचवा है जानकारी, छठा है क्रिया, सातवां है संतुष्टि, आठवां है मूल्यांकन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। और सही अनुक्रम है, पहला है आवश्यकता का निर्धारण, दूसरा है आंतरिक स्रोत, तीसरा है इश्तेहार या विज्ञापन, चौथा है साक्षात्कार, पांचवा है वेतन स्थापित करना, छठा है नियुक्ति, सातवां है पूर्वाभिमुखीकरण। और नेक्स्ट है हमारा योजना है, जो कि बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहली योजना है गुड़गांव प्रोजेक्ट, यह 1920 में आया एफएल ब्रेनी द्वारा। दूसरा है मार्थेंडम योजना, यह 1928 में आया डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा। तीसरा है इंडियन विलेज सर्विस, यह 1945 में आया WH विसर द्वारा। और हमारा चौथा है नीली खेड़ी परियोजना, यह 1947 में आया SK डे द्वारा। और हमारा पांचवा है इटावा अग्रग्राम योजना, यह 1948 में आया एल्बर्ट मेयर द्वारा। और हमारा छठा है अंत्योदय योजना, यह 2 अक्टूबर 1977 में आया जयप्रकाश नारायण द्वारा। और हमारा सातवां है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह अप्रैल 1977 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। और हमारा आठवां है ट्राइसिम, इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यह 18 से 35 साल की उम्र के लिए आया था और यह 1979 में आया था और इसी योजना को स्वरोजगार योजना में विलय किया गया था 1999 में। और हमारा नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर योजना, यह 1975 में आया था। और हमारा लास्ट है काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यह 1986 में आया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।